हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेट मिनिस्ट्री की तरफ से खादिम वीजा को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, तो आज के वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं हमेशा आप लोगों को ऐसे ही अपडेट देता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, खादिम वीजा यानी जो 20 नंबर वीजा होता है, जो लोग क्वेटी का घर पे काम करते हैं उन सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ क्वेट की तरफ से जो अपडेट आया है उसमें ये कहा गया है कि अभी जो लोग वेकेशन जाना चाहते हैं या वेकेशन में है ऑलरेडी, उन सभी के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें ये कहा गया है कि वो लोग वेकेशन में अगर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री में ऑलरेडी वेकेशन में है, तो उनको 6 मंथ होने का पहले पहले वापस क्वेट आना पड़ेगा, नहीं तो उनका वीज़ा जब भी 6 मंथ पूरा होगा उनका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑल्सो जितने भी खादिम वीज़ा नया निकलेगा उनका वैलिडिटी बस 3 मंथ का होगा। 3 मंथ का अंदर उनको क्वेट में आना पड़ेगा, किसी भी कंट्री का हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री का हो, उनको 3 मंथ का ही बस वैलिडिटी मिलेगा। आज वीजा निकला यानी आज वीजा का डेट स्टार्ट हो गया, तो आज से लेके 3 महीने के अंदर उनको क्वेट में आना पड़ेगा, नहीं तो उनका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और रही बात जो लोग वेकेशन में है ऑलरेडी, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि 6 महीना पूरा होने के पहले आप लोग वापस क्वेट आ जाइए, क्योंकि आपका वीजा कैंसिल होने का चांस बहुत ज्यादा है। एंड 6 महीना पूरा हो जाएगा तो आपका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस, ये अपडेट आप लोगों को देना जरूरी था, इसलिए मैं आया आप लोगों को ये अपडेट देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।